अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी वीडियो शेयर करने लगी हूँ मैं आज। चल तो रमज़ान की प्रिपरेशन रही थी, बट आउट ऑफ सडन ये क्या बीच में आ गया है। मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में तो रमज़ान की थोड़ी सी प्रेप शेयर की थी, बट एक फैमिली इवेंट था, शादी थी। फैमिली में माई कज़न का शलीमा था। आजकल वली बारात और वलीमे को मिला के कुछ लोगों ने ट्रेंड निकाला है शलीमा करने का। सो वो एक इवेंट था, मेहंदी थी, उसकी माइयों थी। तो मैंने उस पर कुछ वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने अपना हेयर कलर चेंज किया, जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। मैं पहले पॉलर से कराती थी, बट इस दफ़ा मैंने सोचा आई शुड ट्राई एट होम और मुझे अपना हेयर कलर खुद घर पर चेंज करना है। तो मैं ये ले आई लॉरियल का 5 शेड लॉरियल में, और इसको मैंने घर पे खुद ही अपने हेयर डाई, क्योंकि मेरे हेयर जो हैं वो रूट्स का कलर डिफरेंट आ रहा था और नीचे बाकी लेंथ का कलर डिफरेंट हो गया था, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ। घर पे कलर हेयर डाई करना बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे 5 शेड चूज़ किया है लॉरियल का। लॉरियल का शेड मैं करने जा रही हूँ अपने बालों में। आज मैं पहले भी लॉरियल का करती नहीं हूँ, गोरा के भी मैंने यूज़ किए हैं और इसके अलावा गार्नियर के भी सभी ब्रांड्स यूज़ कर चुकी हूँ। आपने जब हेयर कलर चूज़ करना हो तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। अच्छा, तो होता यह है कि हम मार्केट में जाते हैं और जब हमें हेयर कलर कोई भी चूज़ करना होता है तो हम मॉडल की पिक्चर देखते हैं और वो कलर उठा लेते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने ये बॉक्स लेना है और आप इसके साइड पे देखेंगे ये इस तरह से, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, शेड्स बने होंगे डिफरेंट ना। तो लॉरियल का बॉक्स आप लेंगे, उसके साइड पर ये देखें आप, मॉडल के जो बालों में है वो शेड ये आ रहा है। जब आप इसको बॉक्स को उठाएंगे और इस तरह रोटेट करेंगे, यहाँ पे ये शेड्स बने हुए हैं। आपने इसको कंसीडर करना है, ना कि जो मॉडल। देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट तरह के शेड्स बने हुए हैं, एक ब्लैक है, एक ब्राउन है, एक ब्राउन है। तो आप अकॉर्डिंगली इस तरह से चूज़ करेंगे। अगर आपके ब्लैक बाल हैं तो आप उसके साथ जो शेड बना हुआ है वो आपके बालों पर आएगा, डाई करने के बाद ब्राउन है तो वो वाला शेड आएगा। और अगर ब्लैक है, ब्लॉन्ड, ब्लैक और ब्राउन, डिफरेंट 3 शेड्स होते हैं। आपने इसको बॉक्स को उठा के अपने सर के साथ रखना है और देखना है कि आपके बाल किस कलर के हैं, और वो शेड फिर आपने अकॉर्डिंगली अपने बालों के हिसाब से चूज़ करना है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं इस बॉक्स में। इसमें एक ये कंडीशनर आता है जो कि अपने अपने बालों को ड्राई करने के बाद यूज़ करना होता है। उसके साथ एक ये ट्यूब आती है जिसमें आपका कलर होता है, एक डेवलपर होता है। इन तमाम, अब आपने करना ये है कि जो ट्यूब होती है, ट्यूब को आपने लेना है, और ये देखें अभी इसमें ये मैं आपको बॉटल दिखा रही हूँ, ये एज़ इट इज़ बॉटल आती है, इस तरह से पैक होती है। ये आपका डेवलपर है। आपने जो ट्यूब, आपको ये वाली जो ट्यूब मिलेगी, इसको आपने इसमें बॉटल में डालना है, और साथ में ये कोम भी होता है। कोम अगर आप चाहें तो ये ऊपर से इसका, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि इसको रिमूव करके ऊपर से टॉप इसका आप इसकी जगह कोम लगा सकते हैं। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू डाई योर हेयर एट होम। आपने ये ट्यूब ओपन करनी है, इसी तरह ढक्कन ओपन करना है, और इसकी बैक पे इसमें होल होता है, और आप उससे जब प्रेस करेंगे तो ये आपकी बॉटल इजीली, जो ट्यूब है इजीली ओपन हो जाएगी, और ये सारा का सारा कलर आपने जो डेवलपर की बॉटल है आपके पास उसमें ऐड कर देना है, और इसको फिर अच्छी तरह से शेक करना है बोतल को, ताकि आपका डेवलपर और कलर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से ये आपने अपना हेयर डाई रेडी कर लेना, और हेयर कलर करते हुए आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। और एक और टिप जो मैं आपको देती जाऊँ, अक्सर आप जब हेयर डाई करते हैं तो आपके जो फेस होता है उस पर कलर लगने का डर होता है, तो आपने क्या लेना है, करना है वेसलीन लेनी है, और अपने फेस के बिल्कुल जो हेयर के एजेस होते हैं उसके साथ साथ फेस पे सारे पे वेसलीन लगा देनी है, ताकि आपका जो कलर है हेयर डाई का वो आपके फेस पे या स्किन पे ना आए। और उसके बाद अगर इन केस आ भी जाता है तो आपने अल्कोहलिक पैड से लेने हैं, उससे वो कलर जो है रिमूव कर देना, या अगर घर पे डिटोल है तो वो लेके आप उससे हेयर कलर रिमूव कर सकते हैं। अभी आप देखें मेरे जो कलर्स है बालों का वो टू टोन हुआ हुआ है। हेयर डाई लगाने से पहले आपके बाल जो हैं एक दिन पुराने वॉश होने चाहिए, फ्रेशली वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ऑयल ना आया हुआ बालों में आपके, ताकि जो हेयर कलर है उसका प्रॉपर शेड आपके बालों में आए। ऑयल निकला हुआ होगा या ऑयलिंग हुई भी तो ऑब्वियसली आपके बालों में शेड नहीं आएगा। बालों की अच्छी तरह से आपने पार्टीशन करनी है, बैक के बालों में बाद में अप्लाई करना है, फ्रंट के बालों में आपने पहले अप्लाई करना है। इसके अलावा आपके बाल बिल्कुल टेंगल फ्री होने चाहिए ये अप्लाई करने से पहले, और देखें आप कितना खूबसूरत ये शेड आया था। नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट हो गया है और बातें ख़त्म नहीं होती, वॉइस ओवर में यही प्रॉब्लम होता है। आप लाइव जब जो है वो बना रहे होते हैं वीडियो, या फिर उसी वक्त जो है साथ साथ बोल रहे होते हैं, तो वो
इजी होता है, लेकिन वॉइस ओवर में चीज़ें आगे पीछे होती हैं, हो जाती हैं इस तरह से करते हुए। खैर यहाँ पे नेक्स्ट जो आपने क्लिप देखा उसमें मेरी बहन के बच्चे और मेरे बच्चे फ़न कर रहे थे। मेरी सिस्टर आई हुई थी मुल्तान से शादी अटेंड करने के लिए। शादी वॉज गुड, इवेंट बहुत मज़े का था। सब फैमिली जो है गेट टुगेदर भी हो जाती है, आप सबसे मिल भी लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। मैं पूरा इवेंट तो आपको नहीं दिखा सकती थी, बट आई कैन शो यू लाइक दिस जो कि मैंने अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये माइयों का इवेंट था, फिर मेहंदी का इवेंट था और फिर शलीमे का इवेंट था। सो ये मैंने इस तरह से आपसे शेयर कर दिया। बीच में मैंने कुछ और क्लिप्स भी रिकॉर्ड किए थे जो कि मेरे दूसरे मोबाइल में, और दूसरा मोबाइल मेरे जो है चला गया है उमर के साथ ऑफिस, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी कि वो क्या क्या क्लिप्स थे और क्या क्या चीज़ें थी, कैसे जो है मैंने अनाया को रेडी किया, उसके बाल छाल बनाए, वो सारी चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आई होप इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। जो इसके अलावा जो मैंने ड्रेसेस पहने थे वलीमे पे, सॉरी शलीमे पे, बारात और वलीमे का इवेंट मिला के जिसको कहते हैं आजकल शलीमा होता है, उस पर जो पहने थे वो आपसे शेयर करूंगी अभी। वापस नहीं जाना। आज एक वेडिंग इवेंट पे जाना है मुझे, मेरी कजन की शादी है और ये है मेरा ड्रेस जो कि मैं आज पहनूंगी। इट्स बाय मारिया बी। ये फ्रॉक है फ्लोर लेंथ की, बहुत ही खूबसूरत इग्नोशूस। ये इधर रखी हुई है तो हैंग हुई थी, इधर से मैं इसका क्लब बना और मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजली। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। ये इसकी फ्रॉक, फ्लोर लेंथ की फ्रॉक है। ये इसका दामन है इस तरह से, ये मैं पहनूँगी आज। So beautiful. और ये जो ड्रेस है दिस वन इज फॉर अनाया, ये फ्लोर लेंथ फ्रॉक है उसकी लाइक दिस। इसको मैंने खुद रेडी कराया था, कस्टमाइज कराया था, इसके बस हल्का सा पूरी शर्ट पे काम है, फ्लावर्स बने हुए इस तरह से। ये देखें अगर आपको मैं पूछती दिखाऊँ लाइक दिस, और इसके दामन पे भी हल्की सी बिल्कुल लेस है अकॉर्डिंग टू बनाया एज, बच्चों की एज के लिए ऐसे ड्रेसेस अच्छे रहते हैं। ये गला है इसका। बस मैं अभी तैयार होने जा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी बारात के शलीमे के इवेंट पे इंशाल्लाह। लेट्स गेट रेडी। बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, ये मैं हूँ, मेरे बच्चों पार्टी और हम पार्टी कर रहे हैं। पार्टी पार्टी हो रही है, पार्टी 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 हो रही है, पार्टी 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 हो रही है, मिनाई पार्टी हो रही है ना। और ये हमारी आइसक्रीम, ये मेरे कजन तो हमारी पार्टी हो रही है।